वीडियो को लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। स्मार्टफोन खरीदने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स क्लिक कीजिए। हम लोगों को लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और बढ़िया स्क्रीन, बढ़िया कैमरा रहा तो बस ये स्मार्टफोन एक नंबर कह देते हैं। पर ये स्मार्टफोन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। Redmi Note 10 सीरीज के सक्सेसर स्मार्टफोन Redmi Note 11 जैसे ही भारत के अंदर लॉन्च हुआ है, तबाही मचा रहा है। इतने सारे स्मार्टफोन मिनटों में बिक जा रहे हैं कि धमाल मचा रहा है। हैट्स ऑफ करना ही होगा जो Xiaomi लवर्स के लिए जो इतने सारे स्मार्टफोन परचेस करते हैं और फैमिली को भी शायद रिकमेंड करते भी होंगे, उनमें से मैं भी एक हूँ। आप में से कितने सारे लोग हो जो चैट सेक्शन में बता सकते हो। खैर, Redmi Note 11 जैसे लॉन्च हो उसके पीछे ही Redmi Note 12 सीरीज की बात अभी से शुरू हो चुका है जो चीन के अंदर आने वाले 3-4 महीने के अंदर लॉन्च हो सकता है। बाद में हमको एयर एंडिंग तक ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि हम ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं कि बढ़िया कैमरा क्वालिटी हो और बढ़िया रैम हो, बैटरी परफॉर्मेंस तो एक नंबर का हो। जैसे जैसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वैसे वैसे Xiaomi हमको स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करते ही आ रहा है। उसी के हिसाब से ये स्मार्टफोन के अंदर, जो लोगों के हिसाब से ये स्मार्टफोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स लेकर आने वाला है जो फर्स्ट टाइम एवर 15,000 से 20,000 रुपए रेंज के अंदर शायद किसी स्मार्टफोन ने दिया होगा। यानी कि बात करेंगे स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी से। शुरुआती वेरिएंट में कहा जा रहा है 150 मेगापिक्सल की कैमरा सेंसर होने वाली है। जो नोट प्रो मैक्स या फिर अल्ट्रा आएगा उसके अंदर 200 मेगापिक्सल कैमरा क्वालिटी भी हो सकती है। पर देखो यार, Xiaomi है तो एक बात तो मानना ही होगा, कुछ ना कुछ करके ये लोग हमको इतना बढ़िया कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड कर ही सकते हैं। बाकी दो कैमरास होगी जो 15+8 मेगापिक्सल की कहा जा रहा है। सेल्फी में भी हमको 16 मेगापिक्सल की AI स्नैपर देखने के लिए मिल रहा है जो इमेजेस एकदम जबरदस्त क्वालिटी लाकर हमको देगा। अवेलेबिलिटी में तो Redmi के स्मार्टफोन्स काफी सारे वेरिएंट्स लॉन्च कर देते हैं, पर ये स्मार्टफोन के अंदर मेनली दो वेरिएंट हमको मिल सकता है, 6GB रैम और 8GB रैम। 6GB रैम के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक होगा 8GB रैम के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप एक्सपांड कर सकते हो एक्सटर्नल स्टोरेज को अलग से माइक्रोएसडी कार्ड लगाकर। रैम मैनेजमेंट तो एप्लीकेशंस रन करने में काफी ज्यादा यूजफुल होता है, पर इसके अंदर LPDDR5 रैम दी जा सकती है। 5000mAh की बैटरी परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी और इसको चार्ज करने के लिए 67W की फास्ट चार्जिंग भी दी जाएगी। यानी कि आप सोच सकते हो एक हो गया कैमरा क्वालिटी और बढ़िया स्क्रीन, बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस और सुपर फास्ट चार्जर, और इसी को ध्यान में रखते हुए बढ़िया प्रोसेसर स्मार्टफोन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वालकॉम की तरफ से आने वाला एक अननोन प्रोसेसर स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी जो 5G तो होगा ही और गेमिंग भी जबरदस्त आप कर सकते हो। और फाइनली स्क्रीन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 6.9 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी। साथ में 144Hz की हाई रिफ्रेश रेट स्मार्टफोन के अंदर मिल जाएगी जो कंटेंट के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। स्मार्टफोन के अंदर हमको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर दे दे तो शायद ही स्मार्टफोन को टक्कर कोई दे सकता है। USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप रॉकर्स, पावर ऑन ऑफ बटन और जो भी सेंसर होनी चाहिए स्मार्टफोन के अंदर भर भर कर दी जाएगी। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए शुरू में इतना ही था। इसके बारे में जैसे ही कोई लीक्स और रूमर्स निकल कर सामने आता है तो तुरंत आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपको और एक वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।